एक सुहाना सफर शुरू हुआ था इस साल की शुरुआत में, आपका और हमारा। ये सफर बेहद खूबसूरत था भाई, आप जो साथ थे और साथ ही रंगीन भी था। ये सफर था आर्टिस्ट प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट का, जहां पर हमारा मकसद था आपको देश भर के राज्यों की डिफरेंट आर्ट फॉर्म के साथ मिलवाने का, उनके पीछे छुपी कहानियां बताने का, उनसे जुड़े इतिहास आपके साथ साझा करने का। साथ ही हमारा मकसद था कि इन कलाओं को हम आप सबके बीच एक बार जीवंत बना के रखें और नए लोगों को भी प्रोत्साहित करें। हमारा ये सफ़र अभी एक पड़ाव पर पहुंचा है, लेकिन अगर इस सफ़र में आपने कुछ स्टॉप्स मिस किए हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सफ़रनामा। आज प्रेजेंट है आपके लिए ये आर्ट बुकें, लेकिन अगले शनिवार मैं आपसे फिर मिलूंगी आर्टीज में यहीं पे दोबारा। तब तक के लिए गुड बाय। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, उस आर्ट फॉर्म की जिसका गढ़ छत्तीसगढ़ है, पिथौरा आर्ट। पिथौरा आर्ट छत्तीसगढ़ का फोक आर्ट है। यहाँ पे हर घर में दीवारों पर इसके चित्र बनाए जाते हैं। माना जाता है कि ये चित्र जो है उनके लिए गुड लक लेके आते हैं और उन्हें बुरी नजर से बचाते हैं। गहरे रंगों से बने ये चित्र न केवल वहाँ की डे टू डे एक्टिविटी को बताते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ उनका रिश्ता भी बताते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि के चित्र ये लोग उकेरते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम लें तो यहाँ पे बरबसी ढोकरा आर्ट दिमाग में आ जाता है। और ढोकरा आर्ट हालांकि आर्ट का मेटल फॉर्म है, जिसमें ब्रास और ब्रोंज के मेटल आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। हालांकि आर्ट विश्व भर में मशहूर है और छत्तीसगढ़ की खास पहचान है। आज के आर्टिस्ट में बस इतना ही, लेकिन मेरे साथ अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक नए आर्ट फॉर्म के साथ में। टिल देन गुड बाय। आज बात कलमकारी की। आंध्र प्रदेश की ये कला ईरान से अपने रंग लेकर आती है। कॉटन के कपड़े पर ब्लॉक से बनने वाली ये कला अपना नाम पर्शिया से लेकर आई थी। दो शब्द, पेन यानी कलम और क्राफ्टमैनशिप कला यानी पेन से बनने वाली कला, कलमकारी। क्या आप जानते हैं कलमकारी दो प्रकार की होती है, एक मछली पट्टिनम और शीकला हस्ती। सिर्फ नेचुरल डाई से बनने वाली कला 23 स्टेप्स में बनती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इसके गढ़ हैं। खास तौर पे हमारे धार्मिक पुराणों माइथोलॉजिकल स्टोरीज को इसमें प्रेजेंट किया जाता है। अर्थी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और इन गहरे रंगों को लेकर के ये बन जाती है कला बहुत खास, और आज के हमारे इस आर्टिस्ट शो की खास टॉक। अगले शो में मेरे साथ फिर मिलेंगे शनिवार को आर्टीज में, प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। टिल देन गुड बाय। ये आर्ट बिहार राज्य की शान है और इसे मिथिला आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसके रंग नेपाल में भी खिलते हैं। लगभग 7वीं सदी में ये फोक आर्ट फॉर्म बिहार के मधुबन डिस्ट्रिक्ट में आया था और ये बनती है राइस पेस्ट और नेचुरल कलर से। है ना इंटरेस्टिंग। असली फूलों से रंग लेकर बनाए जाते हैं, जैसे मेरीगोल्ड से पीला तो रोज से लाल। इंसान का प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी से तालमेल बनाती ये पेंटिंग्स ज्यादातर फूलों, पक्षियों और पशुओं के चित्र उकेरती है। वैसे तो ये आर्ट फॉर्म 5 शैलियां हैं, भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और पॉपर। ये पेंटिंग्स 2 प्रकार की होती है, भित्ति चित्र और अरीबन।
है ना इंटरेस्टिंग। वैसे कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इस बार के आर्टीज में बस इतना ही। अगली बार मेरे साथ फिर नए एक आर्ट फॉर्म के साथ अगले शनिवार आर्टीज में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय। पश्चिम बंगाल से निकलने वाले आर्ट की। वैसे तो बंगाल और कला एक दूसरे के पूरक हैं। भारत के हर राज्य में कला के कई रूप हैं और बंगाल में कला के कई फॉर्म, ढोकरा, शोला, टेराकोटा, जूट, टेक्सटाइल आदि आदि। लेकिन आज बात कालीघाट पेंटिंग्स की। कालीघाट पेंटिंग्स कुछ खास ग्रुप के लोगों द्वारा बनाई जाती थी और ये 19वीं सदी के आसपास आई थी और ये पेंटिंग्स कालीघाट मंदिर के आसपास के परिसर में ही लोग बनाते थे। ब्राइट कलर्स और बोल्ड आउटलाइन से काली, शिव, पार्वती, सरस्वती आदि देवी देवताओं को एक नया रूप दे देती थी। गंगा घाट की गोद से निकल ये कला अपने गहरे रंगों और खास रूप को लेकर के विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई और बन गई हमारे आर्टिस्ट के एपिसोड की आज की आर्ट टॉक। हालांकि अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, लेकिन फिर मिलेंगे एक नए अगले आर्ट फॉर्म के साथ अगले शनिवार। टिल देन गुड बाय। आज बात करेंगे थांक का या थाका आर्ट की। ये आर्ट भारत के उत्तर और पूर्व राज्यों से अपने गहरे रंग की छटा बिखेरता है और कॉटन और सिल्क पे बनाया जाता है। गौतम बुद्ध के टीचिंग्स को सिखाता है तो कई बार मैथ्स के टिप्स भी दे जाता है। इसका प्राइम सब्जेक्ट व्हील ऑफ लाइफ है। बस उसी को रिप्रेजेंट करते हुए ये टीचिंग्स दे देता है ज्योमेट्री की। सिक्किम, लेह, लद्दाख, अरुणाचल ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में भी ये ट्रेडिशन और वैल्यूज को सिखाता है। कहते हैं ये 7वीं सदी में नेपाल से आया था। इसके भी कई टाइप्स, रूल्स और स्टेप्स हैं। हालांकि आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, तो और भी बात करेंगे अगले हफ्ते आर्ट के बारे में। इस बार आर्टीज में इतना ही। अगले शनिवार फिर मेरे साथ आर्टीज, प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। तब तक के लिए गुड बाय। चारों ओर फैले बागान, वन हॉर्न राइनो और बैम्बू सिल्क के अलावा असम की एक और खास बात है वहां के मैन्युस्क्रिप्ट आर्ट। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पनपे इस आर्ट में पोएटिक वर्सेस के साथ साथ में उनका चित्रण भी किया जाता था। इनके साथ में हमारी माइथोलॉजिकल कहानियां, माइथोलॉजिकल एपिक्स को छोटे छोटे चित्रों में लिखा जाता था और एक और बनाया जाता था। असम के इन पेंटिंग्स के कई स्टाइल्स हैं। वैसे चार तरह से मुख्य रूप से बनाई जाती है, सतरिया, गड़ग्यान, तरंगी और ताई स्टाइल। कहा जाता है इन पेंटिंग्स को बनाने का उद्देश्य वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार था और ये पेंटिंग्स अहोम के काल में खूब पनपी थी। असम की ये खास पेंटिंग बनाई जाती है बार्क पे, पेड़ों की बार्क पे, जिन्हें सचीपट और तुलापट पार्क पे इंक से बनाई इन पेंटिंग का जादू बिखर जाता है। नेचुरल चीजों से बनाई हुई ये पेंटिंग असम को एक खास दर्जा दे देती है। तो मेरे साथ आर्टीज में आज इतना ही। अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। लेते ही
आंखों के आगे गरबे का घूमर आ जाता है और मुंह में ढोकले का स्वाद। खैर, खान पान और नृत्य कला की बात तो फिर कभी और करेंगे, आज बात करेंगे गुजरात के उस आर्ट की जो चित्रित किया जाता है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा, कला कई सीमाओं में नहीं बंधी हुई होती, वो तो अपनी सीमाएं लांघ करके अपने रंगों को से सबको एक साथ में बांध देती है और हमारी एकता का प्रतीक होती है। अब कला की बात करें तो यहाँ की कलमकारी, वारली, पिथौरा, ये भी अपनी एक अनोखी छाप रखती है और यहाँ की बांधनी और पटोला के मुंह बांध में तो बंध ही जाएंगे। खैर, आज हम बात करेंगे एक अलग कला की जो यहीं है, यहीं से बनती है, यहीं और पड़ोस के देशों से जन्मी है। नाम है उसका रोगन कला। रोगन कला कई तेलों के मिक्सचर से बनाई जाती है और कपड़े पे की जाती है। हालांकि अब ये कुछ ही परिवारों के बीच में पनाह पाए हुए है, लेकिन इस कला की खासियत उसे दूर दराज देशों तक मशहूर करती है। गाढ़े तेल के पेस्ट में कुछ बाइंडिंग एजेंट और रंग मिलाकर के इसकी लई जैसी बनाई जाती है और इसका काम हाथों से ही कपड़े पे किया जाता है। कहा जाता है कि ये दुल्हन के लिबासों पर खूब खिलती थी। ये लगभग 400 साल पहले पर्शिया से कच्छ आई थी। हमेशा की तरह मैं फिर कहूंगी कि कला सीमाओं में नहीं बंधी हुई होती, तभी तो दूध सी कच्छ की रेत पर रंगों से खिली रोगन कला खूब उभर कर आती है। और आज के आर्टिस्ट में बस इतना ही। अगली शनिवार फिर मेरे साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए रंगों और खुशबुओं के गुजरात में अगर आप जाएं तो जरूर से रोगन कला को देखिए। तब तक गुड बाय। केवल कमर्शियल ही नहीं, आर्ट का भी खजाना है। यहाँ की अजंता एलोरा की गुफाओं पे उकेरे हुए चित्र ये बयां करते हैं कि यहाँ पे कला का कितना पुराना रिश्ता है। महाराष्ट्र, वैसे यहाँ पे चित्र और कला सिर्फ चित्रों में ही नहीं मिलती, यहाँ पे ये साड़ियों पर भी खूब खिलती है, पैठनी साड़ी। खैर, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के वारली आर्ट की। वारली आर्ट एक आदिवासी कला है और वारली का अर्थ भूमि का टुकड़ा या मैदान होता है। प्रकृति को माँ का स्वरूप समझ करके उसमें कला का चित्रण किया जाता है और मानवीय और प्रकृति के रिश्तों को गहराई से बताया जाता है। इन पेंटिंग्स में खास तौर पर त्रिकोण, सर्कल और स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं सहज ज्यामिति आकृतियों में बहुत सारे गहन अर्थ छुपे होते हैं। इसके अंदर जो एक वर्ग होता है उसे चोक या चौकट कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, देव चोक और लग्न चोक। इसके अंदर माँ पाल घाट का चित्रण किया जाता है जो एक भाईचारे का प्रतीक है। सहज से दिखने वाली ये पेंटिंग आदिवासी जीवन के रोजमर्रा जीवन को दिखाती है, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, खेती करना आदि आदि। लाल गेरू के ऊपर चावल की लई से बनाए थे जाने वाली सहज सी पेंटिंग हमें सहज जीवन का पाठ पढ़ाती है। है ना इंटरेस्टिंग? तो जय महाराष्ट्र। अगली बार महाराष्ट्र में वारली आर्ट से जरूर मिलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। रंगीलो राजस्थान, यहाँ की धूरी भूरी रेत से रंग उड़ते हैं और हवा में संगीत लहरी गूंजती है। कला के कई रंग बिखेरता ये राज्य देश और दुनिया में अपनी कला और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की बनी ठनी और पिछड़ी तो हालांकि बहुत जाने माने नाम है, लेकिन यहाँ की एक एंशियंट पेंटिंग कजली आर्ट की है। हालांकि वो भी कोई पहचानी छुपी हुई नहीं है, लेकिन आज बात तो कजली आर्ट की करेंगे हम। खजली आर्ट, जैसे कि नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये काजल से बनाई जाती है। जी, रंगीले राजस्थान में रेतों के बीच, रंगों के बीच एक ग्रे शेड भी बनता है।
और इसी कलर के शेड से उकेर दिए जाते हैं कई बोलते हुए चित्र। कजली आर्ट बनाने के लिए वैसे तो दिए की लो से निकली हुई कालिक, कपड़े और उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। बेशक सधे हुए हाथ भी लगते हैं। और इन कुशल हाथों से बनता है यहाँ का दैनिक जीवन, यहाँ के क्रियाकलाप और रूप की छटा निखर आती है। हालांकि इन ग्रे शेड्स के साथ में कभी कभी कुछ रंगों का इस्तेमाल भी होता है और बन जाती है कजली पेंटिंग खास। और हमारे आज की खास बात है ना इंटरेस्टिंग, तो पधारो मारे देश। आज के आर्टिस्ट में बस इतना ही, अगले शनिवार फिर मेरे साथ। टिल देन गुड बाय। कन्नड़ राज्य कर्नाटक, यही था इसका एक पुराना प्राचीन नाम। चंदन की महक, जल के प्रपात और शाही अंदाज रखने वाला ये राज्य जहाँ पलती है एक शाही कला, नाम है मैसूर आर्ट। विजयनगर राज दरबार में पली पढ़ी ये कला अपने शाही अंदाज के लिए जानी जाती है। इस कला में म्यूटेड कलर्स और एलिगेंस से बनाई हुई कलाएँ होती है जिसमें ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं को ही चित्रित किया जाता है। इसे बनाने वाले कलाकार इसके बेस मटेरियल को खुद ही तैयार करते थे और गिलहरी के बालों से ब्रश बनाया करते थे ताकि वो नज़ाकत, वो एलिगेंस उसमें बरकरार रहे। नेचुरल कलर लस्ट लेकर के ये बने हुए चित्र आज भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी कला के करीब करीब कला पलटती है तंजोर आर्ट। दोनों कलाएँ बहुत करीब हैं, बस दोनों में थोड़ा सा ये अंतर है कि मैसूर आर्ट के अंदर जो शाही अंदाज है, जैसा मैंने आपसे कहा, इसके अंदर गोल्ड फॉइल का काम किया जाता है जो बहुत थिन होता है, लेकिन तंजोर आर्ट के अंदर वो फॉइल थोड़ा थिक होता है। बस थोड़ा ही अंतर है। वैसे मैसूर आर्ट अपनी इस खूबसूरती के लिए बखूबी जाना जाता है। अगली बार जब आप राज्य कर्नाटक पे दस्तक दें तो इस शाही अंदाज से भी रूबरू होके आइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगी आपसे अगले शनिवार। आर्टीज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। टिल देन गुड बाय। समंदर का शहर, डांस मस्ती का शहर, सी फूड का शहर, काजू की फेनी का शहर, शहर जहां जिंदगी गाती हंसती मौज मनाती है। और ऐसी ही जीवन शैली के बीच में कई कला आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट पलते पनपते हैं। और ऐसी ही एक कला है कावी आर्ट। कावी आर्ट कोस्टल महाराष्ट्र और कर्नाटका के कई गांव कस्बों में निखरती है, लेकिन इसका गढ़ माना जाता है गोवा। गोवा में बोलचाल की भाषा में कावी का अर्थ रेड और मरून पिगमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और कावी के इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि करीब 600 साल पहले सारस्वत लोगों के साथ यहाँ माइग्रेट होकर आई थी। कुछ कहते हैं कि पुर्तगाल लोगों के साथ में आई, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ के वातावरण और मौसम के कारण इसे ये रूप मिला। मोनोक्रोमेटिक पैलेट से बने हुए कावी के मोटिफ जब दीवारों पर खिलते हैं तो एक अलग ही कहानी कहते हैं। यहाँ का इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए जो बेस बनाया जाता है वो समंदर के शेल्स, नदियों की रेत और जैगरी से बनाया जाता है। है ना खूबसूरत कावी के बनने की कहानी। तो अगली बार जब आप गोवा में डूबते सूरज को देखने जाएं तो कावी से मुलाकात जरूर कीजिएगा, तभी तो बनेगा ना तो परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन। अगली बार मेरे साथ आर्टीज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट में फिर मुलाकात कीजिएगा शनिवार। टिल देन गुड बाय। भीनी भीनी खुशबू, नारियल पानी की ठंडक, तो मसालों का स्वाद,
संगीत और कला की अनूठी छाप रखता ये राज्य है केरल। आज बात करेंगे हम केरल के आर्ट की। हालांकि जगह मायने नहीं रखती, लेकिन मैं आपसे जगह का जिक्र इसलिए करती हूँ ताकि हम जान सकें कि इस आर्ट की पहली कपोल कहाँ खिली थी और ये कहाँ पलती बढ़ती है। तो आज बात करेंगे कला में उटू पट्टू। हालांकि इस शब्द की लचक मेरी जबान में नहीं, लेकिन फिर भी ये आर्ट के बारे में जब आप जानेंगे तो कहेंगे भाई वाह क्या बात है। ये आर्ट फर्श पे किया जाता है। अभी तक हम बात करते आ रहे थे आर्ट कैनवस पर, दीवारों पर, पेपर पर, लेकिन ये आर्ट ठीक रंगोली और अल्पना की तरह फर्श पर किया जाता है। इसके अंदर भद्रकाली और अय्यप्पा के मंदिर में जब पूजा अर्चना होती है तो एक खास स्थान का चयन किया जाता है और उसमें इनके उपासकों का वहाँ पर चित्रण किया जाता है। इनके अंदर खास तौर पर सिर्फ 5 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो पंच महाभूत के प्रतीक हैं। और इस आर्ट के बारे में एक बात और खास, ये शाम के समय किया जाता है ना हमारा अमेजिंग इंडिया, जहाँ भावनाओं को, श्रद्धा को अनेक रंगों में दिए जाते हैं, अनेक रूप में उकेरा जाता है। अगली बार जब आप केरल जाएंगे तो भद्रकाली और अय्यप्पा के मंदिर में तो कलामे उट्टू पट्टू का जरूर दीदार करके आइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी। आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। टिल देन गुड बाय। मध्य प्रदेश भारत का दिल और इसकी धड़कन है यहाँ का आर्ट कल्चर, यहाँ का आर्किटेक्चर और यहाँ की साड़ियाँ। मध्य प्रदेश की चंदेरी महेश्वरी साड़ियाँ हिंदुस्तान का सम्मान है और यहीं पर पलती है कई आदिवासी जातियाँ भी, और उन आदिवासी जातियों के बीच में पलता है उनका ट्राइबल आर्ट। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के गोंड आर्ट की। गोंड आर्ट मध्य प्रदेश के कई घने जंगलों में आदिवासियों के बीच पलने वाली एक सहज सी कला है। जब किसी कला का अपने जनक के साथ अगर गुरु से मिलन हो जाए ना, तो वो कला सिर्फ अपने घर और गांव की भित्तियों पे नहीं रहती, उसके लिए दुनिया भर कैनवस बन जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस आर्ट के साथ। हालांकि यहाँ पे और भी कई कलाएं इन आदिवासी लोगों के बीच में पाई जाती है, लेकिन गोंड कला को 1980 में भोपाल तक सफ़र करने मिला और उसके बाद इसने बहुत ऊंची उड़ान भरी और अपने आबाहों में दुनिया को भर लिया। गोंड आर्ट सिंपल डॉट्स और रेखाओं से बनने वाली वाइब्रेंट कलर की सहज सी आकृतियों को बनाने वाली सहज सी खूबसूरत कला है। इसके अंदर प्रकृति का मानव के साथ तालमेल और कल्पना का भी काफी चित्रण होता है। ये कला अपने आप में कई खूबियां समेटे हुए है, कई सहज जीवन को बताती है। किसी भी बेस पे की जा सकती है, पेपर पे, कपड़े पे और कई सजावटी सामान पे। इसकी कुछ कुछ समानता मधुबनी आर्ट से भी मिलती है। तो अगली बार जब मध्य प्रदेश में दस्तक देंगे तो अपने गोंड आर्ट से भी मुलाकात कीजिएगा। हालांकि इन्हीं खूबसूरत प्रकृति के तालमेल के कारण ही इनक्रेडिबल इंडिया का हार्ट बन जाता है मध्य प्रदेश। तो अगली बार मेरे से मुलाकात कीजिएगा आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट में शनिवार। टिल देन गुड बाय। बर्फ की चादर लपेटे हुए, खूबसूरती का लिबास पहने हुए भारत के 13 पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक, जहां ब्यास अंगड़ाई लेती है तो धरती सेब सी लाल हो उठती है। लेदर, वुड, पश्मीना जहां की कला है तो आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग, राफ्ट वहां के खेलों की जान। आज बात हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का आर्ट पहाड़ी पेंटिंग्स। पहाड़ी पेंटिंग्स का इतिहास बहुत पुराना है, जो श्रीनगर से लेकर के गढ़वाल तक अपनी छाप रखता है। पहाड़ी पहाड़ों के संदर्भ में कहा हुआ शब्द है। पहाड़ी आर्ट के अंतर नजाकत और
खूबसूरती के साथ साथ मिनिएचर वर्क पे काम किया जाता है जिसमें थोड़ी मुगल छाप भी है। पहली आर्ट अपने अलग अलग स्कूल फॉर्म्स के लिए जाना जाता है जिसमें गुलेर, चंबा, बिलासपुर, मंडी सभी स्कूलों की बात होती है। यहाँ पे नेचुरल कलर्स और खासकर ग्रीन शेड्स को डिफरेंट फॉर्म में दिखाया जाता है। पहरी आर्ट में अगर गुलेर आर्ट की बात करें हम तो इसमें डेलिकेसी नज़ाकत पे ध्यान दिया जाता है और अगर हम उसमें चंबा आर्ट की बात करें तो उसमें फेमिनिन डोमिनेट बताया जाता है। ये आर्ट अपने आप में ढेरों कहानियाँ इतिहास समेटे हुए हैं, नज़ाकत समेटे हुए हैं, बारीकियाँ समेटे हुए हैं। इन आर्ट के अंदर ज़्यादातर कृष्ण और राधा के दृश्य दिखाए जाते हैं, उनके मिलन के, उनके त्योहारों के रंग दिखाए जाते हैं। आप अगर पहाड़ों की सैर पर निकलें तो एक बार इन आर्ट से रूबरू ज़रूर होइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले शनिवार आर्टिस्ट फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय। प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है ये भूखंड। यहाँ की धरती ने कई समर देखे पर ऐसा कतई नहीं कि जहाँ रण हो वहाँ रंग ना बिखरे। जी हाँ, यहाँ भी रंगों की आभा बिखरती है। खेल और कुश्ती यहाँ की पहचान है और मूछों पर ताव देती विवाह की यहाँ का अंदाज। बात आज हरियाणा से। हरियाणा का वैसे तो फर्नीचर, रग, दरी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कला और पेंटिंग से भी यहाँ का बहुत पुराना ऐतिहासिक रिश्ता है। हरियाणा में लगभग ईसा पूर्व 2500 साल पहले की जो खुदाई में अवशेष मिले हैं, सिसवाल की खुदाई में, उनमें मिट्टी के बर्तनों पर उकेरी सफ़ेद काली रेखाएं कहती हैं कि कला का वर्चस्व हर काल में रहा। हरियाणा के पेंटिंग्स पर राजपूत कला की छाप दिखती है। हरियाणा में वैसे तो हर्षवर्धन के काल में भी कला बहुत पनपी फली थी, लेकिन अस्थल बोहर पेंटिंग्स जो हैं वो आज भी यहाँ जानी जाती है। पचकुला और पिंजौर के मंदिरों की दीवारों पर इनको देखा जा सकता है। अस्थल बोहर पेंटिंग वास्तव में राजपूत शैली का ही हिस्सा है। अब राजपूत शैली का हरियाणा पे प्रभाव कैसे रहा ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राजपूतों का वैसे तो राजपूत शैली राजस्थान की भूमि पर पली बड़ी पनपी है, लेकिन जहाँ जहाँ राजपूत शासनकाल रहा वहाँ वहाँ ये शैली फैली। अब राजपूत कला और मुगल शैली में एक सतही अंतर है। हालांकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी करीब दिखती हैं, लेकिन मुगल शैली में वहाँ का राजसी वैभव दिखता है और राजपूत शैली में वहाँ का सामाजिक जीवन। और ऐसी ही हरियाणा की पेंटिंग मात्र मड की पियाओ, जिसे महाराणा तेज सिंह के महलों की दीवारों पर आज भी देखा जा सकता है, ये पौराणिक पेंटिंग्स हैं। हरियाणा में वैसे आज की स्थिति में कला का ये रूप कुछ ओझल सा होता जा रहा है, लेकिन खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी और रंगों से पहचान फिर हो सकती है, लेकिन मुझसे मुलाकात दोबारा यहीं हो सकती है। आर्टिस्ट प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट, अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात करूंगी। टिल देन गुड बाय। के लहलहाते खेत या सांझा चूल्हा, 90 के दशक की फिल्मों पे अपनी गहरी छाप रखने वाला ये राज्य अपनी जिंदादिली और प्यार के लिए भी बहुत जाना जाता है। भांगड़ा, बैसाखी, जी अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, पांच नदियों वाला पंजाब। आज हम बात करेंगे पंजाब के आर्ट की। फुलकारी आर्ट पंजाब का ये एक फोक आर्ट है जिसके अंदर ज्यादातर फ्लोरल वर्क किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही जाना जाता है। फुलकारी आर्ट में फूलों को उनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स में दिखाया जाता है, गहरे चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब घर में बच्ची पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, तो ये एक भेंट स्वरूप आने वाली पीढ़ी को दिया जाता है। माना जाता है कि वो आगे जनरेशन को चलाने वाली है, ये उसका एक सम्मान है।
फुलकारी आर्ट यहाँ की, खासतौर पे तो वैसे कपड़ों पर होता है, लेकिन यहाँ की पेंटिंग्स में भी यहाँ के जो दैनिक जीवन, यहाँ की खूबसूरती को जो दिखाया जाता है, उनके गहने और उनके ऊपर की गई फुलकारी को ज़्यादातर दिखाया जाता है। फुलकारी का काम घर की दैनिक सजावट की चीज़ों पर भी किया जाता है। ये अपनी एक गहरी पेठ इस राज्य में रखती है। जब यहाँ की ये ओढ़नी ओढ़े कोई सोनी निकल कोड़ी निकलती है तो दिल के उठता है देश बुलाए। तभी तो कहा जाता है इंडिया बिगिंस हियर। अगली बार पंजाब में जब आप भांगड़ा पाने जाएं तो फुलकारी आर्ट जरूर ओढ़कर आइएगा। मेरे साथ अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी। आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेवा। टिल देन गुड बाय। सफेद फेन जहाँ तटों पे टकराता है, जहाँ सूर्य अपनी पांखें खोलता है और मंदिर के घंट नादों से वातावरण गूंज जाता है, जहाँ भगवान जगन्नाथ साक्षात विराज जाते हैं, ऐसा है ओडिशा। आज बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा का आर्ट पट्टचित्र, ये कला यहाँ पे लगभग 5वीं सदी से फल फूल रही है। ये कला वेस्ट बंगाल में भी जानी जाती है, वहाँ पे ये माँ काली के करीब रहती है, तो ओडिशा में राधा कृष्ण के करीब। पट्टचित्र वास्तव में संस्कृत से लिया हुआ नाम है, पट्ट यानी कपड़ा और चित्र उस पर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स। पट्टचित्र 3 प्रकार के होते हैं, जो कपड़े पे बनाए जाते हैं वो पट्टचित्र, भित्ति चित्र जिन्हें दीवारों पे उकेरा जाता है, और तालपत्र या पोथी पत्र चित्र जो कहलाते हैं वो तालपत्रों पे बनाया जाता है। वैसे ये कला का सबसे पुराना फॉर्म है जिसके ऊपर कला की जाती थी। इन चित्रों के इतिहास की अगर बात करें तो ये माना जाता है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर के इन चित्रों को बनाया करते थे। घर की महिलाएं छोटे सफ़ेद कपड़े के कॉटन के जो क्लॉथ के स्ट्रिप्स होते थे उनके ऊपर चौक और गम के मिक्सर को लगा करके इनका बेस बनाती थी, और इनके ऊपर पहले लाल और पीले रंग की रेखाएँ उकेरी जाती हैं, हल्की रेखाएँ, और उनमें रंग भरे जाते हैं। नेचुरल कलर्स से भरी हुई ये रेखाएँ भगवान जगन्नाथ का आकार ले उपासना का केंद्र बन जाती है। अगली बार जब आप ओडिशा जाएं तो पुरी के तटों पे इस कला का आचमन जरूर करिएगा। तब तक फिर मुझसे मुलाकात करने शनिवार जरूर आइएगा। आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। टिल देन गुड बाय। की जन्मभूमि और लखनवी अंदाज, जहां अजान और घंटनाद साथ साथ सुनाई देते हैं, और जहां की जबान में जलेबी की मिठास और अंदाज में गुलाबों की नजाकत, सैकड़ों खासियतें रखने वाला ये राज्य। आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का कला के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है। आदिमानव की गुफाओं में उकेरे हुए चित्र जो बताते हैं कि यहाँ मानव का और कला का कितना पुराना एक दूसरे से गठजोड़ है। बात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और सोनभद्र की गुफाओं तक ही नहीं रुकती। उत्तर प्रदेश में और भी कई कलाएं अपना खासा वर्चस्व रखती हैं, जिसमें जरी एम्ब्रॉयडरी, ग्लास वर्क, चिकनकारी आदि जैसी कई कलाएँ हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के रग्स और कारपेट्स की तो वो तो बेहद खूबसूरत हैं। पर आज बात करेंगे संजनी आर्ट की। हालांकि यहाँ पे बुंदेला पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स और राजपूत पेंटिंग्स का भी खासा प्रभाव है, पर आज मथुरा में पलने वाली छोटी ये संजनी आर्ट से बात। और जब बात मथुरा की है तो कृष्ण कन्हैया कैसे दूर रह सकते हैं। स्टेंसिल्स के ऊपर रोज़मर्रा की बैलगाड़ी, मोर, पक्षी आदि बनकर हिस्सा बन जाते हैं इस कला का। सपाट सतह पर स्टेंसिल्स को रखा जाता है और उस पर रंगों को बिखेरा जाता है। जितने सहज अंदाज में मैं आपसे कह रही हूँ, हालांकि उतना सहज नहीं इसे बनाना, हाँ लेकिन कुछ कुछ रंगोली की तरह होती है ये कला। अगर आप अगली बार मथुरा जाएं तो प्रसाद के साथ साथ संजनी आर्ट का टीका भी ज़रूर लगा के आइएगा। आज की बात बस इतनी ही। अगले शनिवार फिर मेरे साथ मुलाकात कीजिए।
आरटीज प्रेजेंटेड बाय सेवार. टिल देन गुड बाय. पैकर, कोहबर, सहराई, जादूपटुआ, गंजू, बिरहोर, घाटवाल, कुर्मी, मुंडा, ये बस कुछ नाम है उन आर्ट फॉर्म के जो झारखंड के ट्राइबल इलाकों में बनती है. आज बात करेंगे घने जंगलों वाले झारखंड से. यहाँ पे ये कलाएं आपस में काफी मिली जुली सी हैं, लेकिन कोहबर और सहराई कला जो है वो आमतौर पे फसलों के पकने पर और शादियों के दौरान बनाई जाने वाली एक जानी पहचानी सी कला है. लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी पैंतकर पेंटिंग्स की. पैंतकर पेंटिंग्स झारखंड के अमदूबी और धालबोमगढ़ के इलाकों में खास तौर पे बनाई जाती है. ये इन्हीं इलाकों से पनपी पली बढ़ी हुई है. पैंतकर पेंटिंग्स अपने आप में ये कला कथा कहती है, कहानियां कहती है. पैंतकर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकार इन चित्रों के साथ में एक कथा सुनाते हैं, ठीक कठपुतली की तरह. और इन कथाओं के साथ जुड़ी होती है हिंदू इतिहास की कहानियां, कहानियां उन महान लोगों की और जिन्हें ये एक दूसरे के साथ में इस तरह फैलाते हैं. पैंतकर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकार चित्रकार कहलाते हैं और इनके साथ जो जुगलबंदी करते गाना गाते हैं उन्हें गायने कहा जाता है. मनसा देवी को अपनी इस कला में उकेर ये लोग अपनी रक्षा और समृद्धि की प्रार्थना उनसे करते हैं. उनके इन चित्रों में वैसे शिव और दुर्गा का भी स्थान होता है. इन चित्रों को बनाने के लिए कागज और कपड़े का ही इस्तेमाल किया जाता है. इन चित्रों में बनाने के लिए अपने आसपास के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल, जिनमें पत्थर, पत्ते, फूल आदि का इस्तेमाल होता है. और खास बात यह होती है कि इन्हें पेड़ की टहनी से बनाया जाता है. हालांकि कभी कभी कुछ बकरी के बालों के ब्रश का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है. पैंतकर पेंटिंग्स पैंतकर ट्राइब से निकली हुई एक कला है जिसने अपना दामन पूरी दुनिया में फैला दिया. अगली बार जब आप झारखंड के घने जंगलों में घूमने जाएं तो इन आर्ट फॉर्म से भी मुलाकात करिएगा. और मुझसे मुलाकात करने अगले शनिवार फिर ही मिलिएगा. आर्टीज प्रेजेंटेड बाय सेवा. टिल देन गुड बाय. बमबम भोले का नाद और जहां झीलों पर हिलोरे लेती है कश्तियां, जहां के पश्मीना शॉल, कानी और सोजनी कला, जहां का मेवा और जहां पे रंगत केशर की खूबसूरत वादियां और स्वर्ग की आभा लिए हुए कश्मीर. तभी तो कहा जाता है गर फिरदोस बर रूहे जमीअस्त, अमीअस्तो अमीअस्तो अमीअस्त. धरती पे इस स्वर्ग और हिंदुस्तान के तो आज जम्मू और कश्मीर से आज बात. 17वीं और 18वीं शताब्दी में जहां पहरी आर्ट फल फूल रहा था, वहीं एक कला और रंगड़ाई ले रही थी. इसे कहा जाता था बसोली आर्ट. बसोली कठुआ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से बसोली गांव के पास फलता फलता एक आर्ट था. वैसे तो यह हिस्सा पहरी पेंटिंग्स का ही है, लेकिन सन 1635 में राजा भूपत पाल ने इसे अपनी पनाह में लिया और रावी नदी के किनारे कठुआ में बसे बसखोली गांव को इसका अपना गढ़ मिल गया. और इसने जोड़ा अपने आप को साहित्य से. साहित्य में जो महानता शब्दों की थी उसने इसे जामा पहना दिया रंगों का. बसखोली के अंदर जो फेशियल सेट पैटर्न होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और राधा और कृष्ण के बने गीत गोविंद को इसने सच में एक आकार दे दिया. रसमंजरी इसका दूसरा उदाहरण है. बसोली पेंटिंग्स में भी बहुत बारीकी से काम किया जाता है, रंगत वही चटकीली होती है. तो वैसे जम्मू और कश्मीर में मुगल कला, राजपूत पेंटिंग्स, पहरी आर्ट और जैसे मैंने अभी आपको कहा बसोली पेंटिंग्स, इन सभी की छाप आपको कहीं ना कहीं मिलेगी. और बेहद खूबसूरत कश्मीर में आपको प्रकृति के साथ में रंगों का समायोजन भी.
तो अगली बार कश्मीर की वादियों में खोने के साथ साथ में अपने साथ में वहां के रंगों को भी समेट के लाइएगा और मुझसे मुलाकात कीजिएगा अगले शनिवार आरटीज प्रेजेंटेड बाय सेवार्ड। कभी हिस्सा रहा आंध्र प्रदेश का, नवाबी दौलत रखने वाला ये राज्य ना केवल अपने आर्किटेक्चर के लिए बल्कि अपने कला प्रेम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ फिल्मों के प्यार के अतिरिक्त प्यार पलता है कला के प्रति, पेंटिंग्स के प्रति भी। आज बात करेंगे राज्य तेलंगाना की और यहाँ की चेरियल स्क्रोल पेंटिंग्स की। चेरियल स्क्रोल पेंटिंग्स का रिश्ता वारंगल डिस्ट्रिक्ट के चेरियल गाँव से है। यहाँ पर ये पेंटिंग नरेटिंग फॉर्म में की जाती है। छोटा सा एक स्क्रोल फॉर्म होता है जिसपे पूरी की पूरी कहानी कही जाती है। इन पेंटिंग्स के इतिहास की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में ही इसके बीज बो दिए गए थे, लेकिन 16वीं सदी के आसपास लगभग 1625 के आसपास इन्होंने आकार लेना आरम्भ किया था। खादी के कैनवस पर ही बनाई जाती है और खादी के इस कैनवस को बनाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके ऊपर वाइट मड, गम, चौक, टेमेरिंड सीड का पेस्ट लगा करके उसे तैयार किया जाता है और उसे बड़े बोल्ड लाइन के साथ में उसके ऊपर चित्र उकेरे जाते हैं। बेस को वाइब्रेंट कलर रेड और इनसे बनाया जाता है। और वास्तव में मैं आपसे कुछ अलग बात अलग शब्दों में कहूँ तो ये चलते फिरते सिनेमा थिएटर थे। इन चेरियल स्क्रोल पेंटिंग में पूरी कहानी स्क्रोल की तरह बताई जाती थी जिसके साथ नरेटर होता था। रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला की कहानियों के अलावा फोक टेल्स भी इनके अंदर बताई जाती थी। 12वीं सदी की काकातिया पेंटिंग से ये पेंटिंग्स कुछ समानताएं रखती हैं और बिल्लामरी और त्रिपुरानाथ के मंदिरों में इन्हें आज भी देखा जा सकता है। वैसे ये आर्ट फॉर्म थोड़ा फेड जरूर हो रहा है, लेकिन अगर आप अगली बार दक्षिण में तेलंगाना में हैदराबादी बिरयानी का स्वाद ले रहे हो तो चेरियल स्क्रोल पेंटिंग पे नरेटिंग स्टोरीज जरूर देखिएगा। मुझसे मिलने यहाँ फिर मिलिएगा शनिवार के दिन। आर्टीज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। टिल देन गुड बाय। तंजवर या तंजोराट, हालांकि इस नाम का जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुके हूँ, लेकिन आज बात तंजोर आर्ट की, जिसने भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु को अपनी चमक से, अपने रंगों से सजा दिया। ये कला पलती पनपती है तंजवर गांव में। हालांकि इसका सफर चोल साम्राज्य से लेकर के मराठा दरबार तक रहा। इन पेंटिंग्स में हिंदू देवी देवताओं को खास तौर पर चित्रित किया जाता है। सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोन से बनी हुई इन पेंटिंग में एक स्वर्ण परत चढ़ी हुई होती है। इनका बेस वुडन प्लैंक, कैनवस, माइका, ग्लास, इन सभी पे ये बनाई जाती है और ये दुनिया भर में मशहूर है। इन पेंटिंग्स में लाल, हरे और सफ़ेद रंगों का भी खूब बखूबी से इस्तेमाल किया जाता है। जब इनका जो बेस बनाया जाता है वो फ्रेंच चौक के अंदर अरेबिक गम या लाइम स्टोन के साथ में बना करके इसे एक बेस आकार दिया जाता है और इस पर जो उभार लिए हुए चित्र बनते हैं वो इसे एक 3D फॉर्म का आकार दे देते हैं। इन चित्रों के अंदर सबसे जो मेन कैरेक्टर होता है उसे सेंटर में बनाया जाता है। हालांकि हिंदू देवी देवताओं के अलावा राज दरबार, त्योहार सभी इसके दायरे में आते हैं। इन पेंटिंग्स के साथ में एक लंबा इतिहास और एक राजनीतिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। इसे दक्षिण भारत में ही नहीं मराठा दरबार में भी बहुत सम्मान मिला। तो अगली बार जब दक्षिण भारत की सैर पर आप जाएंगे तो तंजौर आर्ट से सजी कलाकृतियों को अपने घर लेकर आएंगे। अगली बार मुझसे मुलाकात यहीं कीजिएगा। आर्टीज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। टिल देन गुड बाय।
प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है ये भूखंड। यहाँ की धरती ने कई समर देखे, पर ऐसा कतई नहीं कि जहाँ रण हो वहाँ रंग ना बिखरे। जी हाँ, यहाँ भी रंगों की आभा बिखरती है। खेल और कुश्ती यहाँ की पहचान है और मूछों पर ताव देती बेवा की यहाँ का अंदाज। बात आज हरियाणा से। हरियाणा का वैसे तो फर्नीचर, रग, दरी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कला और पेंटिंग से भी यहाँ का बहुत पुराना ऐतिहासिक रिश्ता है। हरियाणा में लगभग ईसा पूर्व 2500 साल पहले की जो खुदाई में अवशेष मिले हैं, सिसवाल की खुदाई में, उनमें मिट्टी के बर्तनों पर उकेरी सफेद काली रेखाएं कहती हैं कि कला का वर्चस्व हर काल में रहा। हरियाणा के पेंटिंग्स पर राजपूत कला की छाप दिखती है। हरियाणा में वैसे तो हर्षवर्धन के काल में भी कला बहुत पनपी फली थी, लेकिन अस्थल बोहर पेंटिंग्स जो हैं वो आज भी यहाँ जानी जाती है। पचकुला और पिंजौर के मंदिरों की दीवारों पर इनको देखा जा सकता है। अस्थल बोहर पेंटिंग वास्तव में राजपूत शैली का ही हिस्सा है। अब राजपूत शैली का हरियाणा पे प्रभाव कैसे रहा, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राजपूतों का वैसे तो राजपूत शैली राजस्थान की भूमि पे पली बड़ी पनपी है, लेकिन जहाँ जहाँ राजपूत शासनकाल रहा वहाँ वहाँ ये शैली फैली। अब राजपूत कला और मुगल शैली में एक सतही अंतर है। हालांकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी करीब दिखती हैं, लेकिन मुगल शैली में वहाँ का राजसी वैभव दिखता है और राजपूत शैली में वहाँ का सामाजिक जीवन। और ऐसी ही हरियाणा की पेंटिंग मात्र मड की पियाओ, जिसे महाराणा तेज सिंह के महलों की दीवारों पर आज भी देखा जा सकता है, ये पौराणिक पेंटिंग्स हैं। हरियाणा में वैसे आज की स्थिति में कला का ये रूप कुछ ओझल सा होता जा रहा है, लेकिन खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी और रंगों से पहचान फिर हो सकती है, लेकिन मुझसे मुलाकात दोबारा यही हो सकती है। आर्टिस्ट प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट, अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात करूंगी। टिल देन गुड बाय। या तंजोर आर्ट, हालांकि इस नाम का जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुके हूँ, लेकिन आज बात तंजोर आर्ट की, जिसने भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु को अपनी चमक से, अपने रंगों से सजा दिया। ये कला पलती पनपती है तंजोर गांव में। हालांकि इसका सफर चोल साम्राज्य से लेकर के मराठा दरबार तक रहा। इन पेंटिंग्स में हिंदू देवी देवताओं को खास तौर पर चित्रित किया जाता है। सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोन से बनी हुई इन पेंटिंग में एक स्वर्ण परत चढ़ी हुई होती है। इनका बेस वुडन प्लैंक, कैनवस, माइका, ग्लास, इन सभी पे ये बनाई जाती है और ये दुनिया भर में मशहूर है। इन पेंटिंग्स में लाल, हरे और सफ़ेद रंगों का भी खूब बखूबी से इस्तेमाल किया जाता है। जब इनका जो बेस बनाया जाता है वो फ्रेंच चॉक के अंदर अरेबिक गम या लाइम स्टोन के साथ में बना करके इसे एक बेस आकार दिया जाता है, और इस पर जो उभार लिए हुए चित्र बनते हैं वो इसे एक 3D फॉर्म का आकार दे देते हैं। इन चित्रों के अंदर सबसे जो मेन कैरेक्टर होता है उसे सेंटर में बनाया जाता है। हालांकि हिंदू देवी देवताओं के अलावा राज दरबार, त्यौहार, सभी इसके दायरे में आते हैं। इन पेंटिंग्स के साथ में एक लंबा इतिहास और एक राजनीतिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। इसे दक्षिण भारत में ही नहीं, मराठा दरबार में भी बहुत सम्मान मिला। तो अगली बार जब दक्षिण भारत की सैर पर आप जाएंगे तो तंजोर आर्ट से सजी कलाकृतियों को अपने घर लेकर आएंगे। अगली बार मुझसे मुलाकात यहीं कीजिएगा। आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। टिल देन गुड बाय।